In this session we are going to discuss the case study of Pakistan with reference to the process of political socialization. Political socialization is a process which gives sense of citizenship in the case of Pakistan there are many agents involved in the process like family we all know that in the traditional society of Pakistan family is the much strongest एजेंट ऑफ़ पॉलिटिकल सोशलाइजेसन बच्चे की तरबियत बच्चे ने क्या करना है उसकी पसंद नापसंद उसका स्कूल कौन सा होगा उसके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है ये सारे के सारे फैक्टर्स के अंदर सारे प्रोसेस के अंदर फैमिली का रोल हमेशा बहुत ज़्यादा अहम रहता है ख़ास तौर पर माशरे के अंदर बच्चे ने कैसे बिहेव करना है बच्चे ने बाहर निकलना है नहीं निकलना फैमिली इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के रवैयों के ऊपर इसी तरीके से जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की हम बात करते हैं सियासी तरबियत के लिहाज से तो यकीनन पाकिस्तान का सियासी कल्चर पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है जहां पर के फैमिली बड़े होने के बाद भी असरानंदाज होती है लोगों के सियासी रवैयों पर वोट किसे देना है किस पार्टी के साथ लॉयल्टी होनी चाहिए हती कि कौन सा लीडर जो है वो ज़्यादा फेवरेट या पॉपुलर है इस सारे प्रोसेस के अंदर फैमिली के रोल को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं इसी तरीके से दूसरे नंबर पर एजुकेशन है हम जानते हैं हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में और इसी तरीके के और बहुत सारे तरक्की के अंदर एजुकेशन वो रोल परफॉर्म नहीं कर सकी जो अफराद की तरबियत में अहम होता है ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर व्हेन वी वांट टू हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशन एक्चुअली सोसाइटी नीड्स रिस्पॉन्सिबल सिटीजेंस एंड दिस इज़ द बेसिक जॉब ऑफ द एजुकेशन टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजेंस दोविक सेंस बट इन देश ऑफ़ पाकिस्तान एजुकेशन इज़ नॉट बिन एबल टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स दैन द रोल ऑफ रिलीजन कम्स पाकिस्तान एक आइडियोलोजी की बेस पर वजूद में आया जहाँ आगाज़ से लेकर आज तक रिलीजन का रोल इंतहाई अहम है मज़बी सियासी जमातों से लेकर प्रेशर ग्रुप सब ने रिलीजन के नाम पर लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश भी लोगों के रवैयों को भी मुतासर करने की कोशिश की तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के केस में पोलिटिकल सोशलाइजेशन के प्रोसेस में बिलखसूस रिलीजन एक अहम और इफ़ेक्टिव फैक्टर के तौर पर मौजूद है पीयर ग्रुप्स में हम ये देख सकते हैं कि दोस्त अहबाब बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारे सियासी फ़ैसलों पर हमारे सियासी रवैयों पर असरअंदाज होते हैं मसल बहुत सारे ऐसे पहलू जिनको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं वो ये हैं कि आप जिस हल्का अहबाब में बैठते हैं वहाँ से आपकी सियासी पसंद या नापसंद या आपकी राय जो है वो मुतासर होती है फिर एक और अहम फैक्टर जिसका किरदार आजकल बहुत ज़्यादा उसका इफेक्टिव रोल है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर वो है मीडिया So media is one of the agents that politically socialize masses. Radio and television are playing significant role in politically socialized life. Media is a source of information which not only affects daily activities of human life but also provides information about other events like developments being took place on national and international forums. मीडिया एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रहा है अब बल्कि उसका किरदार उससे ज़्यादा हो गया ओपिनियन मेकिंग के अंदर ख़ास तौर पर रेडियो टेलीविजन और अब ख़ास तौर पर सोशल मीडिया सब सबका किरदार जो है वो इंसानों की ओपिनियन मेकिंग के अंदर पब्लिक ओपिनियन के अंदर ये बहुत ज़्यादा अब इफ़ेक्टिव टूल के तौर पर काम कर रहे हैं बिकॉज पब्लिक ओपिनियन इज़ नोन इन डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग बिसाइड्स रिस्पॉन्डिंग टू पोल्स एज वेल एज पार्टिसिपेटिंग इन प्रोटेस्ट एंड लॉबिंग थ्रू इंटरेस्ट ग्रुप्स मीडिया जो है उसने पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए अपने आप को इतना अहम मनवा लिया है कि इवन पब्लिक पोल्स जो आते हैं मीडिया के थ्रू वो इलेक्शंस के ऊपर असरअाज़ भी होते हैं और कैंडिडेट्स चाहते हैं कि मीडिया के थ्रू उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्शन हो ताकि वो हमदर्दियाँ भी हासिल कर सकें या अपने आप को इवेलुएट कर सकें कि वो कहाँ स्टैंड करती हैं और उनको कौन से टैक्टिक्स यूज़ करने चाहिए लोगों के अंदर मज़ीद पॉपुलर होने के लिए तो हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिसिपेशन इन द सिस्टम है इसके इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो हमें अपनी यूथ को सिखानी है या हमें अपनी यंग जनरेशन को सिखानी है वो यही है कि जो आपके अंदर जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है इन पॉलिटिक्स उसमें मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा अहम है अगर मीडिया का रोल रिस्पॉन्सिबल होगा तो लोगों का सियासत पर भी रहेगा और सियासी निज़ाम के ऊपर भी रहेगा इसी से ही हमारे आइंदा के सियासी रवैये जो हैं उन्होंने तश्कील भी पाना है चुनाचे पोलिटिकल सोशलाइज़ेशन के प्रोसेस के अंदर इक्कीसवीं सदी में मीडिया का किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है